पृष्ठ पे एक कदीम इमारत है और गुजरे वक्तों में एक इंटीग्रेटेड सा माहौल होता था। यहाँ पर बाहर से बैरूनी हमले हुआ करते थे तो उसके नतीजे में ये जो इमारतें होती थीं उसमें एक तरह से डिफेंस का मैकेनिज़्म भी मौजूद होता था और साथ साथ ये जो इमारतें होती थीं ये इसमें वुड और पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। और इसमें ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है और इस डबल स्टोरी बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा घर होता था। उस घर के अंदर मुख्तलिफ उसके हिस्से होते थे, उन हिस्सों में एक मेन घर यानी कि हम उसको बड़ू गोट कहते थे, तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ पार्ट्स हुआ करते थे। उन पार्ट्स के अंदर एक तरफ ख्वातीन के लिए जगह होती थी, बीच में हम आग वगैरह वगैरह जलाते थे और साथ ही फिर जो मेहमान होते थे उनके लिए भी एक जगह मुख्तस हुआ करती थी। तो इस तरह से एक पुराने घर का निज़ाम था, ये एक पूरा इंटीग्रेटेड इसका माहौल हुआ करता था और ये बाज़ोक़ात डबल स्टोरी भी हुआ करता था और सिंगल स्टोरी घर भी होते थे। तो इस तरह से ये एक पूरा निज़ाम इस इलाके का, हिनी पुराना नाम है, इससे पहले का जो नाम था वो मनिशमल था और ये हमारी कदीम आबादी है, हमारे बाप दादे यहाँ के आबाद हुए थे। तो ये मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह का ही स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही कदीम स्ट्रक्चर, सैकड़ों साल पुराने यहाँ पर घर भी मौजूद हैं, गो कि नए घर भी तामीर हुए हैं, जदीद बुनियादों पर तामीर हुए हैं, लेकिन जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो एक जो स्ट्रक्चर है मेरे पुश्त पर है और इस स्ट्रक्चर से आपको मालूम होता होगा कि ये तकरीबन ये कदीम है, सैकड़ों साल पुराने घर यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद हैं। तो ये है सूरतहाल यहाँ की और बहुत ज़बरदस्त ये इलाका है हर लिहाज से, मौसमी लिहाज से भी, और यहाँ पर जो फ्रूट्स होते हैं बहुत शीरिनी इस कह सकते हैं इसके अंदर मौजूद होती है। इसमें यहाँ पीचेस हैं, यहाँ पर आजकल जो है जो फ्रूट्स है उनमें स्पेशली चेरी का कल्चर है, लेकिन यहाँ पर खुबानी, यहाँ पर आड़ू, यहाँ की शहतूत बहुत मशहूर है इस इलाके की। तो इस स्ट्रक्चर को मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि अब मॉडर्न स्टाइल पे तामीरात हुआ करती हैं लेकिन पुराने स्ट्रक्चर्स ये हैं जो मेरे पुश्त पर मौजूद हैं।